शिक्षा में व्याप्त भ्रष्टाचार को दूर करने और शिक्षा के व्यवसायीकरण को बंद किए जाने की मांग को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के सदस्यों ने मंगलवार को जिलाधिकारी कार्यालय के समक्ष विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने जमकर नारेबाजी की और अपनी मांग संबंधित ज्ञापन जिलाधिकारी को प्रेषित किया। परिषद के सदस्यों का कहना है कि शहर के तमाम शिक्षण संस्थानों में बच्चों को छात्रवृत्ति के नाम पर बरगलाया जा रहा है, जिससे उनका भविष्य अधर में लटका हुआ है। वहीं महानगर में तमाम ऐसे कोचिंग सेंटर चल रहे हैं जो शिक्षा के नाम पर छात्र छात्राओं के परिजनों से मनमानी वसूली कर रहे हैं। परिषद के सदस्यों का कहना है कि ऐसे अवैध संस्थानों को तत्काल बंद किया जाना चाहिए, अन्यथा वह अगली बार उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। इस अवसर पर परिषद के प्रदेश संगठन मंत्री सत्यभान सिंह भदौरिया, नवीन कुमार, प्रियंका वैभव सहित परिषद के कई सदस्य मौजूद रहे। गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए परिषद के प्रियंका और नवीन ने कहा, शिक्षा में बदहाली दूर करो, दूर करो, दूर करो, शिक्षा का व्यापारीकरण बंद करो, बंद करो, बंद करो, जाति पर्चा जिंदाबाद, 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 करो, दूर करो, दूर करो, शिक्षा का व्यापारीकरण बंद करो, बंद करो, बंद करो, वंदे मातरम, वंदे मातरम, जाति पर्चा जिंदाबाद, 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 कौन लड़ेगा किस पे दम, जबरदस्ती कहीं पैदा करके बुलाते हैं, कह तो रहा हूँ नहीं है, समझ में नहीं आती ये बात यार। अरे बेटा गलत बात करते हैं, उन्होंने बोला है कि उनको बात का नहीं है, उन्होंने जब बोला कि आप बाहर बुला दी तो आप बोल रहे पैदा करके, आप उनसे एजेंट है या छोटे, आप उनसे वो एजेंट है कि बड़े, आप अपनी बात रखिए, बात है, अपनी अब है नहीं तो क्या किया जाए, पर उनको बोल दीजिए कि हमने समय से रहे, यही तो समय है, और भी चीजें हैं, नहीं और चीजें हैं, पर कमिश्नर साहब के पास कुछ पिछले बात किया जाता है, ये तो आप लोग को ज्यादा सीखना है, हमने पूछा कि आपके अधिकारी को यहीं बुलाइए, कौन सा प्यार, नहीं यहाँ नहीं बुलाने को बात है, आप भी जाते हैं, आपको भी तो प्यार नहीं है, आज तहसील दिवस जब तीन बार लोग आए हैं और तीन बार में एक बार भी आपके जिलाधिकारी नहीं मिले हैं, तो इसका मतलब ये है कि एक दिन पहले आपको इसको भी देंगे, उसके माध्यम से चाहते हैं कि वो तो सुन लीजिए भाई, आराम से बात तरीका है ही नहीं बात करने का। सर ये सारी मांगे थी, इसको लेकर हम लोग आपको ज्ञापन सौंप रहे हैं, निश्चित समय अंतराल के अंदर मतलब 15 दिन के अंदर अगर नहीं इसमें समाधान हुआ तो फिर हम लोग अगली बार धरना प्रदर्शन ज्ञापन हरी आंदोलन के जो भी कुछ होगा आपके साथ ज्ञापन लेने वाले आगे से नहीं, पीछे से। हमारी विद्यार्थी परिषद कभी किसी का बुरा नहीं चाहती है और हम लोग बस छात्रों के हित में आए हैं यहाँ पे, जितने भी छात्र छात्राएं रहते हैं यहाँ पे और जो भी पढ़ते हैं,
ये जरूरी नहीं है कि सारे छात्र छात्राएं अमीर घर के ही बिलोंग करते हैं। बहुत सारे छात्र छात्राएं ऐसे होते हैं जो कि गरीब घर से बिलोंग करते हैं, तो उनकी पढ़ाई तो 10+2 तक अच्छे से हो जाती है, और अपनी पढ़ाई जब वो घर वालों के मर्जी से नहीं करते हैं तो वो सोचते हैं कि इस बार हम किसी से लेके पैसे एडमिशन करा लेते हैं, अगले बार जब मेरी छात्रवृत्ति आएगी तो हम पूरा कर देंगे, या हमारी स्कॉलरशिप आएगा तो हम पूरा कर देंगे। और हमारे जिला प्रशासन है, ये तो देने का नाम ही नहीं लेते हैं। वहाँ यहाँ से हम लोग छात्रवृत्ति के लिए आए हैं, और जो अवध कोचिंग चलते हैं, सरकारी स्कूल चलते हैं जिसमें प्लेग्राउंड नहीं है, बच्चों को बहुत सारी दिक्कतें होती हैं, उसके लिए हम लोग यहाँ पे आए हैं। सिटी मजिस्ट्रेट से बात हुआ क्या, उन्होंने कहा? सिटी मजिस्ट्रेट तो थे नहीं, हम लोग 3 बार से आते हैं, वो थे नहीं, बस उनके मतलब एक डीएम है वही थे जिनसे बात हुआ, और उनको विज्ञापन भी दिया गया, अब उन्होंने साइन ऑन करके दे दिया, बाकी आगे क्या होगा। क्या आश्वासन मिला? बस बोले हैं कि हम लोग इसकी कार्रवाई करेंगे जल्द से जल्द। देखिए, विद्यार्थी परिषद पिछले महीने भर से ज़्यादा से समय से कई मांगे उठा चुकी है, जिसमें छात्रवृत्ति एक विद्यार्थी परिषद का एक अहम मुद्दा था। विद्यार्थी परिषद जितने भी छात्र हैं महाविद्यालय के, डिग्री कॉलेज के, इंजीनियरिंग कॉलेज के, उनको छात्रवृत्ति बहुत सारे छात्रों को नहीं मिली। गरीब परिवारों से बच्चे आते हैं, उनको पढ़ने के लिए छात्रवृत्ति के बिना वो कैसे पढ़ेंगे, ये प्रशासन नहीं समझता है। दूसरी हमारी जो मांग थी वो समाज कल्याण छात्रावास की थी। बहुत बदहाल अवस्था में छात्रावास हैं, अवैध रूप से जो विद्यालय महाविद्यालय गोरखपुर में चल रहे हैं, जिनकी पंजीकरण नहीं है, किसी का मान्यता नहीं है, उसको लेकर विद्यार्थी परिषद ने ज्ञापन दिया था, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। ये अंतिम ज्ञापन विद्यार्थी परिषद जिलाधिकारी जी को दी है, अगर इस पर कार्रवाई नहीं होगी तो विद्यार्थी परिषद आंदोलन के लिए बाध्य होगा, ये चेतावनी प्रशासन को विद्यार्थी परिषद दे चुका है आज। यही हमारी मांग थी।